सभी जड़ी बूटियों से ज़्यादा पावरफुल है ये आयुर्वेदिक औषधि। इसके फायदे अमृत के समान है। नाम इसका है कचनार गुग्गल। पेट के सभी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसके कोमल कोमल नाजुक पत्तों को भाजी बनाकर खाया भी जाता है। यह प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर है। जिंक दोस्तों, यह पीलिया बीमारी को ठीक करता है, कब्ज बवासीर को ठीक करता है, अपचन, खूनी बादी बवासीर को ठीक करता है, स्त्री के अधिक मासिक धर्म, अधिक ब्लड जाने में रोकता है। दोस्तों, शरीर में किसी भी प्रकार का विष हो उसे ये हरता है, विष को निकाल कर बाहर कर देता है। एक तरह से फूल नहीं है यह, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में माना जाना अमृत है। दर्द और सूजन पे भी यह काम करता है। अगर किसी भी प्रकार के मुंह में घाव है, छाले हैं, जीभ में दाना फुंसी है, गड़फड़ नहीं खुल रहा है, तो मुंह के अंदर कोई भी बीमारी हो सबको ये ठीक करता है। दोस्तों, यह किडनी लीवर को फ्रेश करता है, तंदुरुस्त करता है, मजबूत करता है, पेशाब खुल कर लाता है। दोस्तों, यह स्त्री रोग, लिकोरिया, सफ़ेद पानी की शिकायत को भी दूर करता है। यह दवा अनेकों बीमारी का रामबाण औषधि है। दोस्तों, यह पेट के कीड़ों को मारता है, कृमि रोग जिसे कहते हैं। यह अतिसार बीमारी है, कुछ खाते ही पेट में दर्द होने लगता है, पेट में सूजन को दूर करता है, संग्रहणी बीमारी को ठीक करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पेट के समस्त बीमारियों को ये नष्ट करने वाला बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषध है, जड़ी बूटी का पौधा है। इसका नाम कचनार गुग्गल है। तो दोस्तों, मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि किस बीमारी में इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसके फूलों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, ये फूल है, इस फूल को सुखाकर 100 ग्राम फूल को सुखाकर 100 ग्राम मिश्री मिलाकर पाउडर बनाकर आप किसी डब्बे में रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच खाएंगे दूध के साथ। तो जब दूध के साथ आप सुबह शाम खाएंगे तो धातु रोग, किसी भी मर्द को कमजोरी है, नामर्दी है, धातु रोग है, तो उसमें यह फ़ायदा देगा। स्त्री को अगर मैंने बताया लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो सफ़ेद पानी जाता है, तो उसमें भी फ़ायदा देगा। अधिक मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव होता है, अधिक ब्लड जाता है, उसमें भी फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, इस तरह से शरीर के अंदर अगर किसी भी तरीके के विषैले पदार्थ इंटर हो गए, घुस गया है, खून साफ नहीं हो रहा है, तो भी आप इसके चूर्ण को एक चम्मच सुबह शाम खाएंगे पानी के साथ तो फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैंने जितना भी बीमारी बताया आपको, सभी बीमारी में आप चाहे तो एक चम्मच सुबह शाम इसका चूर्ण पानी या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर काढ़ा बनाकर पीना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। काढ़ा रोज़ रोज़ बनाना पड़ेगा, लेकिन चूर्ण से जल्दी फ़ायदा काढ़ा करता है। तो काढ़ा कैसे बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसका 5-7 फूल तोड़ लिए, उस फूल को तोड़कर और फूल के साथ साथ दोस्तों इसके छाल का भी उपयोग करना है, दोनों मिलाकर साथ में। तो फूल और छाल, यानी फूल और छाल दोनों मिलाकर 50 ग्राम ले लीजिए, और 50 ग्राम आप जो है अनार का फूल ले लीजिए। तीनों को मिलाकर 1 लीटर पानी में पकाइए, 3 हिस्सा जला दीजिए, 1 हिस्सा जब बच जाए उस 1 हिस्से को उतार कर उससे आप अपने उस काढ़ा से आप मुंह की कुल्ली कीजिए, तो मुंह के समस्त बीमारी नष्ट हो जाएंगे, जो जो मैंने आपको बताया, दांत में पेरिया है, मवाद आना, खून निकलना, मुँह में छाले, जो भी मैं बताया आपको, मुँह की समस्त बीमारी सिर्फ कुल्लों से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, खांसी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके काढ़े का 20 ग्राम काढ़ा पीना है। मुलेठी मिलाकर काढ़ा बनाना है खांसी के लिए, और 20 ग्राम पीना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ लास्ट उपाय, अगर आप इसके फूल का काढ़ा बना रहे हैं, फूल या छाल का काढ़ा बना रहे हैं, तो 20 ml उपयोग करना है, 20 ml। और अगर फूल का चूर्ण बना रहे हैं तो चूर्ण का करीबन 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करना है, यानी 5 ग्राम फूल का चूर्ण 5 ग्राम इस्तेमाल करना है, और काढ़ा अगर बना रहे हैं तो 20 ग्राम सुबह शाम दो टाइम। तो दोस्तों, जितना बीमारी मैंने बताया आपको, वो सब बीमारी में आप ये दो उपाय कर सकते हो, काढ़ा या चूर्ण बनाकर इस्तेमाल कीजिए, आपको सब बीमारी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अपना महत्वपूर्ण जानकारी यही समाप्त कर रहा हूँ।
अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल पहाड़ी आयुर्वेदिक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।